नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कुछ लोगों को आंदोलनजीवी कहा था, याद ही होगा, लेकिन इस बात से बहुत से लोग चिढ़ गए। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हम किसी नेता की ओर इशारा नहीं कर रहे क्योंकि मोदी जी ने भी किसी का नाम नहीं लिया था, पर लोग खुद ही समझ गए कि उनका इशारा किस तरफ था। अब इस शब्द ने विपक्षियों के मन में कौतूहल मचा दिया और इनमें से एक नेता हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने मोदी से प्रेरित होकर एक नया शब्द गढ़ा और नाम दिया चंदाजीवी। अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है, वे लोग आंदोलनजीवी हैं, मुझे उन लोगों को क्या कहना चाहिए जो दान देने के लिए बाहर आते हैं, क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? अब यूपी के सियासत में अपनी जमीन खोज रहे अखिलेश यादव शायद ये भूल गए कि शब्द किसी को बेहद आहत कर सकता है, क्योंकि उन्होंने राम भक्तों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। देश में होने जा रहे एक पुण्य काम पर जिसके लिए पूरा देश उत्साहित है, तो क्या अखिलेश उन सभी राम भक्तों का मजाक उड़ा रहे हैं? क्योंकि ये बात किसी से भी नहीं छुपी कि अखिलेश यादव किन लोगों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव की बात से साधु संत काफी गुस्से में हैं। उनमें इतना गुस्सा है कि धर्मनगरी काशी में अखिल भारतीय संत समिति के प्रवक्ता और पातालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालक दास ने जो बात कही वो बेहद ही अशोभनीय है, और जब कोई साधु संत इस तरह की बात करे तो समझ जाइए कि उसकी भावना कितनी आहत हुई होगी। NBT की रिपोर्ट के मुताबिक महंत बालक दास ने अखिलेश और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को मियाँ की औलाद बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश और मुलायम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग साधु संत राम मंदिर और सनातन धर्म विरोधी हैं, इसलिए इनके बयानों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। बालक दास ने कहा कि अयोध्या में इनकी सरकार ने लोगों पर गोलियां चलवाई और काशी में भी साधु संतों पर लाठियां बरसाई थी। सिर्फ यही नहीं, एक अन्य संत का गुस्सा भी इसी तरह फूट पड़ा। अयोध्या में निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने कहा कि अखिलेश जी को याद होना चाहिए कि जो गजनी थे, गजनी ने हजारों लाखों हिंदुओं को मरवाया था, उसी परिवार में से अखिलेश यादव है, जिन लोगों ने हजारों लाखों हिंदू राम मंदिर के आंदोलन में मरवा दिए, ये सब गजनी परिवार में से हैं। इनको हिंदू संस्कृति या राम मंदिर या चंदा के विषय में बोलने का अधिकार ही नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश के खिलाफ संतों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि एक संत ने इन्हें बावर जीवी तक बता दिया। अखिलेश यादव जी का बयान निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है जिन्होंने राम भक्तों को चंदा जीवी कहा। राम जन्मभूमि से आस्था जुड़ा हुआ है आम जनमानस का। जो लोग समर्पण के भाव से जो कुछ देना चाह रहे हैं उसके बावजूद भी वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने राम भक्तों पे गोली चलवाई, वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने सदैव बाबरी मस्जिद का पक्षधर रहा है, जिसके मन में बाबरी जीवी अभी भी जिंदा है। जिन लोग ने सदैव कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो इस प्रकार बता रहे कि ये लोग चंदा जीवी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण का बयान है और यह लगातार हिंदू जनमानस की भावना को आहत करने वाला बयान है। जिस प्रकार से राम भक्तों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, उसके बाद 500 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया उच्चतम न्यायालय के द्वारा फैसला आने के बाद भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ है और उसमें हर व्यक्ति का आस्था जुड़ा हुआ है, तो आस्था पर कुटाराघात करने वाले अखिलेश यादव कौन होते हैं? क्या यह पूरे देश के ठेकेदार तो हो नहीं गए? हमारा भाव है, हम अपने भाव से जो भी कुछ चाह रहे हैं, राम जन्मभूमि में समर्पण कर रहे हैं, अब वो हमको चंदा जीवी कह रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है, निंदनीय बयान। तो सुना आपने कैसे अखिलेश के खिलाफ अब साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा है, वो उनसे नाराज है। एक तरफ जहां राम भक्तों का सपना पूरा होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ सियासी पार्टियों को ये बात हजम ही नहीं हो रही। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। अखिलेश के बयान पर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक बने रहें वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।